नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। जैसा कि हम सभी को मालूम है, एशिया कप का आगाज 30 अगस्त को हो चुका है, लेकिन सभी की निगाहें आज के मैच पर यानी भारत और पाकिस्तान के मैच पर टिकी हुई है। मैच कैसा खेला जाएगा, क्या होना चाहिए, हमारे साथ रांची के युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी, आइए देखते हैं। मेरा नाम राजा कुमार है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि एशिया कप का मैच जो 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, जो पाकिस्तान और नेपाल के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बहुत ही अच्छी तरह से नेपाल को हराया है। और वैसे तो हम लोग को इंतज़ार था ये भारत पाकिस्तान के मैच का, जिस मैच के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ही हम चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा मैच हो और दोनों ही टीम अच्छा मैच अच्छा खेले। लेकिन एक अंदर से रहता है कि जैसे इंडिया जीते, और बाकी दोनों ही टीमें अच्छी हैं। पाकिस्तान का तो बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं उनके पास, तो हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। हम तो चाहेंगे अच्छा मैच हो, अच्छा इंटरेस्ट हो, अच्छा। और हो गया अब क्या, नाम अभिषेक कुमार है, मैं रांची में क्रिकेट खेलता हूँ और मैं कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। और आज बहुत ही ऐतिहासिक मैच होने वाला है और इंडिया और पाकिस्तान का, तो इसके लिए तो हम लोग सब दिन से उत्साहित रहते हैं। और जैसा कि सब जानते होता है, जो सब क्रिकेटर के अंदर होता है, जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा हो, क्योंकि और हम चाहते हैं कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को हराए। और जैसा कि अभी इंडिया का अथी है, सब फॉर्म में चल रहे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जैसे सुमन गिल हुए, सूर्य कुमार यादव, और अभी तो हमारी टीम में जसप्रीत बुमराह का भी वापसी हुआ है, और आयरलैंड के खिलाफ देखें जो कितना अच्छा वापसी किए हैं बुमराह। तो हम चाहते हैं जो इंडिया आज पहले बैटिंग करे और हमारे रोहित शर्मा और सुमन गिल ओपन करें, ताकि एक अच्छा मजबूती मिले। और विराट कोहली तो फर्स्ट रन नहीं है, और सेकेंड रन सूर्य कुमार यादव आए और मिडिल ऑर्डर को एक अच्छा अति पे पहुँचाए। और जैसा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है, और उसका पेस बॉलर जहाँ तक बहुत अच्छा है, अभी के थीम लेफ्ट आर्म, जैसे शहनशाह अफरीदी हो गए, हरीशॉप, इस हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे जो इंडिया जीते और हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इस हम अच्छा परफॉर्मेंस करे और सभी दोस्त मिलकर सपोर्ट करें जो आज इंडिया जीते। और 3 बजे से उत्साह के साथ हम लोग मैच देखेंगे। थैंक यू। मैं शिवम कुमार हूँ, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। और जैसा कि बता दें, इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से रोमांच भरी मैच रहा है। जो जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, सभी लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार करते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों में देखिएगा तो बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। पिछला ये T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, इसमें जो कोहली छक्का मार के जिताते हैं, बहुत रोमांच भरी मैच था। और ऐसे भी ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच और भी रोमांचक हो गया, इसे ये पहले पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन फिर इंडिया वाले BCCI जो है बोले वहाँ नहीं जाएंगे, तो फिर ये शिफ्ट होकर श्रीलंका में हुई है। और ये पाकिस्तान का बात करें तो उसके पेस बॉलर लोग बहुत अच्छे सब हैं। पिछले मैच में जैसे देखे ही होंगे, हरीश रौफ, शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह। और एक क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए, पिछले मैच में हरीश रौफ इंजरी हुआ है, वो आज खेलते हैं कि नहीं, ये भी उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर वो नहीं खेलते तो पाकिस्तान तो पहले से ही प्रॉब्लम में हो जाएगी उनकी पेस बॉलिंग अटैक। और बता दें इंडिया का, तो इंडिया विराट कोहली कारण इंडिया चेज बहुत अच्छा करता है, तो हर बार की तरह इस बार भी इंडिया चेज ही करना चाहेगा। और इस बार टीम में बहुत अनएक्सपीरियंस प्लेयर भी आए हुए हैं, तो इसके लिए थोड़ा डाउट भी है इंडिया क्या करेगा, बैटिंग करेंगे या बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह बहुत दिन बाद इंडिया में वापसी कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर हैं, फिर कोहली को किस डाउन पे खिलाएंगे, सारा क्वेश्चन है आज सारा। इस कारण और भी रोमांच भरा मैच है, देखिए कैसा होता है। और देख ही रहे होंगे ग्राउंड अभी से ही खाली हो गया है सब मैच खेलने के लिए, तो मैच देखने के लिए पहले से घर पे जा गए, सारा काम करके सोचे 2 बजे 3 बजे बैठना और पूरा मैच देखना है। उसको लेकर क्या काम? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और मैं अभी रांची में यहाँ विधानसभा ग्राउंड में हूँ। और आज भारत पाकिस्तान एशिया कप का पहला मैच है,
ये हम लोग को बहुत पहले से इंतजार था कि मैच होगी तो सभी रोमांच भरे सभी से इंतजार कर रहे और सभी लोग 3 बजे से अपना काम ख़त्म करके देखने के लिए ज़रूर बैठ जाएंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच बहुत बहुत हर से सालों बाद होता रहता है क्योंकि ये हमेशा एक बड़ी टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें भाग लेती है और कोशिश करेंगे हम लोग चीयर करेंगे हम अपने टीम इंडिया को कि जीते हमारी टीम और अच्छी हम लोग की बैटिंग अच्छी है तो हमारी टीम बैटिंग करे हम चाहते हैं कि हमारी टीम पहले बैटिंग करे और अच्छा एक टारगेट दे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की उतनी उम्मीद नहीं करेंगे हम लोग इंडिया से बॉलिंग है कि डिफेंड कर हम लोग को एक विश्वास है टीम इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो खिलाड़ी हैं युवा क्रिकेटर हैं काफ़ी उत्साह है और हर दिन इस ग्राउंड में विधानसभा ग्राउंड इस मैदान का नाम है यहाँ पर खेलते हैं प्रैक्टिस करते हैं और जमकर पसीना बहाते हैं। हर भारतीय की तरह और हर एक खिलाड़ी की जो चाहत होती है कि उनका टीम विजयी हो इसी से इनका भी यह है कि भारत अच्छा खेले और जीत हासिल करे। तो खबरों के लिए बने रहिए नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।